बिग बॉस के घर के अंदर आलिया, आकांक्षा और बेबिका, ये तीनों लोग इस वक्त जेल कोठरी में है, काल कोठरी में है, जेल के अंदर हैं और इन तीनों की ही हालत खराब होती नजर आ रही है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। आप सभी को बता दें कि इस वक्त घर के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, ये तीनों लोग जेल वासी बनी हुई हैं। बिग बॉस ने घर वालों से कहा था कि आप बताइए किसको जेल में जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में आकांक्षा पुरी, बेबिका और साथ ही साथ आलिया, इन तीनों का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा आया। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जेल के अंदर है और इनकी हालत अब बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और वैन ऐसे बिगड़ती हुई नज़र आ रही है तो एक्चुअली इनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। जी हाँ, देखिए अक्सर आदत नहीं होती है लोगों को, और ख़ास करके अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो बहुत ही ज़्यादा आदत नहीं होती इस चीज़ की कि आप बाहर गर्मी में सो रहे हैं। इस वक्त मुंबई का तापमान कितना है ये हम सभी जानते हैं, तो मैसिव ह्यूमिडिटी के साथ साथ ना सिर्फ ह्यूमिडिटी बल्कि अनहाइजीनिक कंडीशंस भी होती हैं बाहर, मच्छर और ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं सभी को घर में, क्योंकि बाहर ये तीनों इतने परेशान हैं कि घर वाले अंदर चैन से नहीं बैठ पा रहे। ऑफ कोर्स अभी नया नया है तो सब थोड़ा बहुत दोस्ती सब में है अभी भी। सो मैं आपको बता दूँ कि ऐसी सिचुएशन में हर कोई इनके पास आकर, इनके साथ खड़े होकर इनसे बातें कर रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ कि आप समझें कि आखिर घर में वाकई हो क्या रहा है और इनकी जो हालत है, मतलब किसी के सर में दर्द उठाया है, किसी के पेट में दर्द उठाया है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। यहाँ पर आकांक्षा पूरी है जो कि काफ़ी हर्ट है, अपसेट नज़र आ रही हैं और तबीयत भी कुछ खास ठीक जो है वो नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में। उसी के साथ साथ क्या आपके हिसाब से आकांक्षा, बेबिका, आलिया, इन तीनों को बिग बॉस की जेल में होना चाहिए था या किसी और को, बताइए।